टीवी शो अनुपमा में इस वक्त वनराज की गर्लफ्रेंड यानी कि काव्या ने तहलका मचा रखा है। काव्या ही वो किरदार है जिसकी वजह से वनराज और अनुपमा का तलाक हो रहा है। काव्या यानी कि मदालसा शर्मा ने धीरे धीरे अपने रोल से इस पूरे शो पर ऐसा रंग बिखेरा है कि लोग इनके भी कायल हो गए हैं। कभी काव्या का किरदार पॉजिटिव था लेकिन अब धीरे धीरे नेगेटिव सा होने लगा है। अब काव्या हीरोइन बने या विलन, लेकिन ये तो साफ है कि वनराज की ये गर्लफ्रेंड अपने परफॉर्मेंस से सबके जहन पर छा गई है। तो कौन है ये काव्या, क्या है काव्या की असली कहानी, तो सुनिए। काव्या गांधी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस का असली नाम मदालसा शर्मा है और आप में से अधिकतर लोग ये भी जानते होंगे कि मदालसा रिश्ते में मिथुन चक्रवर्ती की बहू है। जी हाँ, मदालसा है मिथुन के बेटे मीमो चक्रवर्ती की वाइफ। लेकिन मिथुन की बहू होने के अलावा मदालसा की अपनी भी एक अच्छी खासी पहचान है। मुंबई में जन्मी और पली बड़ी मदालसा शर्मा की मां मीना शर्मा भी हिंदी और गुजराती फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस थी। बाद में मदालसा ने भी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग मुंबई के मशहूर लोगों से ली। एक्टिंग सीखने के लिए मदालसा मुंबई के किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में गई, जबकि डांस उन्होंने गणेश आचार्य और श्यामक डावा जैसे दिग्गजों से सीखा। एक्टिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद मदालसा ने काफी फिल्में भी की और साल 2018 में शादी से पहले तक मदालसा तमिल, तेलुगु से लेकर कन्नड़ की फिल्में तक कर रही थी। अब आपको बता दें कि अनुपमा मदालसा का पहला टीवी शो है। पिछले एक डेढ़ साल से जब कोरोना की वजह से फिल्मों की शूटिंग ऑलमोस्ट बंद थी, तो फिर से मदालसा ने खाली बैठने की बजाय अनुपमा जैसे टीवी शो में एक अलग तरह का किरदार निभाने की ठानी। देखिए मदालसा को कितनी शोहरत अनुपमा से मिल चुकी है, वो उन्हें उनकी फिल्मों से नहीं मिली। मदालसा शर्मा ने साल 2009 में तेलुगु फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में छोटे छोटे रोल करती रही। इस दौरान एक हिंदी फिल्म सम्राट एंड कंपनी में एक्टिंग करने के दौरान उनकी मुलाकात मिथुन के बेटे मीमो के साथ हुई। इसके बाद साल 2018 में मदालसा ने मीमो से शादी कर ली। शादी के बाद मदालसा ने कुछ वक्त के लिए शूटिंग और फिल्मों के काम से ब्रेक ले लिया और अब जाकर उन्होंने टीवी से अपनी नई पारी की शुरुआत की है। काव्या के अवतार में टीवी की जनता उन्हें पसंद कर रही है। मदालसा खुद भी अपने किरदार, शो की कहानी और टीवी शो को मिल रहे जनता के रिस्पॉन्स से काफी खुश है। अभी फिलहाल अनुपमा उनका रोल भी काफी प्रोमिनेंट है और अनुपमा वनराज के अलावा कहानी का एक सिरा उन पर भी टिका है। मदालसा अब टीवी में और भी काम करने के लिए काफी एक्साइटेड है।